दिल्ली में विधानसभा चुनाव तेजी से करीब आ रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस में शीला दीक्षित के निधन के बाद चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस किसी बड़े चेहरे को अध्यक्ष बनाने की जुगत में लगी है। सूत्रों की माने तो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे जयप्रकाश अग्रवाल, शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, राजेश लिलोटिया के नामों पर विचार किया जा रहा है। साथ ही दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का नाम भी रेस में चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक शीला दीक्षित की बहन रमा धवन ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात पार्टी में रखी है। शीला दीक्षित के निधन के बाद कांग्रेस आलाकमान में दिल्ली अध्यक्ष के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसके बाद शीला दीक्षित की बहन रमा धवन ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नया दिल्ली अध्यक्ष बनाए जाने की इच्छा जाहिर की है। लोकसभा चुनाव के समय भी संदीप दीक्षित ने शीला दीक्षित की नॉर्थ ईस्ट सीट पर भरपूर काम किया था। संदीप दीक्षित ही दिन में कई मीटिंग लिया करते थे। संदीप दीक्षित पूर्व दिल्ली से लोकसभा सांसद रहे हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी में अपने जोरदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं ने भी संदीप दीक्षित के नाम पर सहमति जताई है। दिल्ली अध्यक्ष के लिए नवजोत सिंह सिद्धू और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी संभावितों की सूची में चल रहा है। साथ ही दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोटिया का नाम भी पार्टी अध्यक्ष की रेस में है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के आसपास दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।